ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत को 6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रौद्योगिकी के आने के बाद से 4 लाख 5G आधारित केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र 97% शहरों को और 80% से अधिक आबादी को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत पहले के 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन न केवल घरेलू मांग बल्कि वैश्विक मांग भी पूरी करने के लक्ष्य के साथ प्रगति कर रहा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने दूर संचार क्षेत्र को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दौर घोटालों और कानूनी अड़चनों से मुक्त दौर है। समारोह को संबोधित करते हुए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवा पीढ़ी के जीवन में सुधार लाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे डिजिटल बुनियादी ढांचे का तेज गति से विकास हो रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 6G जैसे क्षेत्रों में भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास में जुटा है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी दोपहर करीब 2:45 चित्रकूट पहुंचेंगे और सबसे पहले श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का दौरा करेंगे। वे रघुवीर मंदिर में पूजा और दर्शन के बाद श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा करेंगे। श्री मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय की नई शाखा का लोकार्पण भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली बहुत जल्द लागू की जाएगी। वे आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के निरीक्षण के बाद 75वें बैच को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने प्रशिक्षुओं से कहा कि वे संविधान की भावना समझें और आम आदमी के लिए मानवीय आधार पर सेवा करने के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाएं। शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य एकीकृत और उन्नत शहरी परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है। 3 दिन के सम्मेलन के दौरान कुशल परिवहन प्रणालियों की रूपरेखा और कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया जाएगा। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए आज से अभियान शुरू करेगा। इसमें विशेष रूप से युवा मतदाताओं पर ध्यान दिया जाएगा। ये अभियान उन 5 राज्यों में नहीं होगा जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कल रात कांग्रेस ने 19 प्रत्याशियों की अपनी 3री सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने भी 23 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल 377 उम्मीदवारों ने 458 नामांकन पत्र भरे। इस महीने की 30 तारीख तक पर्चे भरे जा सकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने राशन वितरण भ्रष्टाचार के कथित मामले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार किया है। ज्योतिप्रिया मलिक वर्तमान में वन विभाग के राज्य मंत्री हैं और इससे पहले उनके पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का दायित्व था। आकलन वर्ष 2023-24 में अब तक 7,41,00,000 आयकर रिटर्न भरी गई हैं, जिनमें पहली बार रिटर्न भरने वाले 53,00,000 करदाता शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न सुधार उपायों के कारण आयकर दाताओं का दायरा बढ़ा है। अमरीकी सेना ने आज पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी गुट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 2 ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि इराक और सीरिया में 17 अक्टूबर से अमरीकी सैनिकों के खिलाफ जारी हमलों के जवाब में ये रक्षात्मक कार्रवाई की गई है। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में 2:00 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।